हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू प्रैक्टिस लाइंस, बेसिक प्रैक्टिस फॉर बिगिनर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए दोस्तों कार्टर शीट का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ और पेंसिल मेरे पास यहाँ रहने वाली है दोस्तों 8B। तो आप देख सकते हैं कि 8 लाइन की 8B पेंसिल और कार्टर शीट से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों, जिन मेरे दोस्तों को लाइन बनाने में दिक्कत आती है तो वो स्टार्टिंग पहले छोटी लाइन से करें, लाइक इस तरीके से, ये देखिए। फिर धीरे धीरे उसके नीचे इस तरीके से लाइन को थोड़ा सा लंबा आप जो है करते जाएं। बस ध्यान ही रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस तरीके से पैरेलल लाइंस का आपको गैप जो है बना के रखना है, यानी कि कोशिश करनी है कि इस तरीके से पैरेलल चीज़ों को अटैम्प्ट करते हुए आप जो है इस तरीके से अपनी लाइन की लेंथ को लंबा करते जाएँ, ये देखिए। तो यानी कि जो भी मेरे बिगनर दोस्त लाइन बनाने में हेजिटेट होते हैं तो वो स्टार्टिंग हमेशा छोटी लाइन से करें, देन इस तरीके से डेली प्रैक्टिस में लाइनों को बड़ा करना शुरू कर दें। जब इस तरीके से आपका गैप फिल हो जाए, पूरी शीट को आपको यूटिलाइज़ करना है, तो ये जो बचा हुआ गैप है, इस बचे हुए गैप को भी आप इस तरीके से कवर करना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली दोस्तों होता क्या है, मैं जानता हूँ कि मेरे बहुत सारे बिगनर दोस्तों को लाइंस बनाने में प्रॉब्लम आती होगी, एंट्रेंस एग्जाम में वर्टिकल लाइन बनाने में, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने में। तो आप इस तरीके से हमेशा दोस्तों लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा हॉरिजॉन्टल वे में, लाइक आपको लेफ़्ट टू राइट से ही जो है दोस्तों फॉलो करना है रूल, और इस तरीके से अपनी शीट को फिलअप करना है। फिलअप करने के तरीके और भी बहुत सारे हैं, पर ये मैंने पहला एक बेसिक आपको जो है बताया है। अब इतना जो है कर लेने के बाद अब आप इसमें देख सकते हैं कि भाई आपके सामने ये शीट कंप्लीट है। तो अब आप क्या करेंगे कि नई शीट लीजिए, अब उसके ऊपर अपनी पर्सपेक्टिव की भी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है बनाइए आप, और पैरेलल जो है नेस, यानी कि पैरेलल गैप जो है हमेशा जो है बराबर रखिएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि गैप थोड़ा सा बस मेंटेन करते हुए चलिए। फ्री हैंड काम कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, 10-20% का एरर ज़रूर आएगा, बट लेकिन कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की कोशिश करें। तो शीट को हमने ऐसे करके लाइन बनाई, अब इसके बाद शीट को फिर से रोटेट करेंगे। अभी हमारी वर्टिकल लाइन्स रेडी हो चुकी हैं, अब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ये देखिए। अब इस तरीके से जब दोस्तों आप काम करना शुरू करेंगे तो आपके सामने एक बेसिकली एक ग्राफ बन जाएगा, जैसे कि मैंने पर्सपेक्टिव ग्राफ अपने दोस्तों को बताया भी हुआ है कि किस तरीके से आप पर्सपेक्टिव की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इतना बन जाने के बाद इसमें कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, वैनिशिंग पॉइंट, ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ कर लिया है। तो वहाँ से अपनी डायगोनल लाइंस बनानी शुरू कर दीजिए। तो बेसिकली एक ही शीट पे आप तीन तरीके की लाइन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, तीनों की जो है दोस्तों आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसमें आपका 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी कवर हो जाएगा, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी कवर हो जाएगा, यानी कि आपकी पर्सपेक्टिव की स्टडी भी दोस्तों बनी रहेगी एंड आप अपना जो लाइंस की इम्प्रूवमेंट है वो भी आप दोस्तों कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो ये मेरा दोस्तों एक रफली तरीका है जिस तरीके से मैंने अपने पर्सपेक्टिव की चीज़ों को इम्प्रूव करना शुरू किया। लाइक मैंने जब अपनी पर्सपेक्टिव की स्टडी शुरू की तो मैं इस तरीके से लाइनों को दोस्तों ड्रॉ किया करता था एंड उसके बीच में ऑब्जेक्टों को बनाया करता था। उसके बाद दोस्तों मेरा जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हुई, मुझे ऑब्जेक्टों की ड्रॉइंग को बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आने लगी एंड चीज़ें मुझे आसान तरीके से अटैम्प्ट होने लगी। तो इस तरीके से जब आपके सामने देखिए पूरी शीट रेडी हो जाएगी, तो पूरी शीट रेडी हो जाने के बाद अब जो भी व्यू आपको इसमें अटैम्प्ट करना है, लाइक मैं यहाँ पर एक रोड सीन आपके सामने दिखाने वाला हूँ, जो मेरे बिल्कुल बिगनर दोस्त हैं जो बिल्कुल ही अनजान है कि किस तरीके से काम होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दो लाइनों को इस तरीके से यहाँ डार्क कर लिया है, अब उनको इस तरीके से वर्टिकली डायरेक्शन में मैं यहाँ पर शेड कर दूंगा। तो शेड करने से होगा क्या कि जो मेरे फुटपाथ वाला जो मुझे फील देना है उसका फील यहाँ पर जो है आना शुरू हो जाएगा। ये बात दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जितना ज़्यादा सिंपल चीज़ों से आप लोग शुरू करेंगे ड्राइंग बनाना, उतना बेहतर आप जो है इन फ्यूचर बना पाएंगे। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, कभी भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैलेंजेस एकदम से ना उठाएं, और स्पेशली पर्सपेक्टिव यानी कि बेसिक्स में। बेसिक्स समझना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है अगर आप आसान चीज़ों को अटैम्प्ट करना नहीं शुरू कर रहे हैं तो। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रोड जो है मैंने फील दे दिया है फुटपाथ का, तो इस तरीके से हल्का सा शेड कर दूंगा तो वो रोड से जो है थोड़ा सा उठा हुआ हमें जो है फील होगा, रोड के साथ कनेक्टेड अच्छे तरीके से फील होगा। अब रोड के बीच में जो हमारी स्ट्राइप होती है वाइट पट्टी, तो उसको भी हम यहाँ पर जो है तो इस तरीके से बना लेते हैं। मेरा ओवरऑल दोस्तों आपको बस समझाने का मतलब एक ही है कि आप जब भी काम करना शुरू करें पर्सपेक्टिव में या बेसिक्स में, तो हमेशा लाइंस और शेप, इन दोनों चीज़ों पर ही फोकस करना है। आने वाले टाइम में दोस्तों मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही मैं जो है काम करता हूँ। आप लोगों ने कहा लाइन के लिए तो मैंने दोस्तों लाइन के ऊपर जो है काम किया, बट कोशिश करूँगा दोस्तों कि मैं बेसिक्स को इस तरीके से कवर अप करूँ कि आप लोग उसको अच्छे तरीके से समझ पाए। बाकी जो वीडियोज़ मैंने अभी बनाई हुई है अपनी प्लेलिस्ट मैंने ह्यूमन फिगर की एंड बेसिक्स की, उसको आप जब उसको जो है ज़रूर प्रैक्टिस करें, देन उसके बाद मैं धीरे धीरे दोस्तों नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से हम यहाँ पर जो है अपना काम करना शुरू कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ ना लेते हुए बस लाइनों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
लाइक हमारे पास सारी लाइंस गिवन है और उन गिवन लाइंस को ही हम जो है दोस्तों यहाँ पर यूज़ करते जा रहे हैं, और वो गिवन लाइंस भी आपने खुद बनाई है। यानी कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप लाइनों की करते चले जाएंगे, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा जो है दोस्तों हाई हो जाएगा और मज़ा आपको जो है आने लगेगा इस चीज़ में कि समझ में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको ना आए, स्पेशली पर्सपेक्टिव में कोई भी ड्राइंग। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमने इसको अटेम्प्ट कर लिया है, और ये अटेम्प्ट हो जाने के बाद हमारे यहाँ पर अब इसमें जैसे इलेक्ट्रिक पोल ऐड करने हैं, जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ आपको ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने जो है पूरा काम हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि किस तरीके से आपको काम शुरू करना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का कंसेप्ट, जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से आप अपनी लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड अपनी कॉम्पोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।